कल शाम के 5 बजे से लेके आज सवेरे के 9 बजे तक की जो कोविड 2019 की परिस्थिति इस तरह से है कि आज के कुल केस 127 हैं, आज दिन में रात भर कोई डिस्चार्ज नहीं हुए हैं और 6 लोगों का दुखद अवसान हुआ है। ये जो 127 केस हैं ये अहमदाबाद के 50, सूरत के 69, अरवली का 1, गिर सोमनाथ 1, खेड़ा 1, राजकोट 2, तापी 1, वलसाड़ 2, ऐसे कुल मिला के 127 केस पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं और अभी तक जितने लोग पॉजिटिव हुए हैं इसकी पूरी संख्या 2066 बन जाती है। अभी फिलहाल इसमें से 1839 लोग 1839 जितने लोग हैं जो बिल्कुल स्टेबल हैं, या तो रूम एयर पर हैं या ऑक्सीजन पर हैं, और 19 ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, 131 लोग ऐसे हैं कि जो डिस्चार्ज होकर वापस घर चले गए हैं। आयुष मंत्रालय के जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने खास करके जो हमारे अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में थोड़े ऐसे पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमैटिक थे पर उनकी तैयारी थी, कंसेंट थी आयुर्वेदिक उपचार अपनाने के लिए, तो इसमें हमें आयुर्वेदिक तरीका जो है 5102 जितने पॉजिटिव केसेस पर भी ट्राई किया है और होम्योपैथी 1688 जितने लोगों में ट्राई किया है, और ये खास क्वारंटीन सेंटर्स में था। और इसमें से पाया गया है कि इसके बाद ऐसे जो केसेस पहले क्वारंटीन में थे और उसके बाद चेक होता है कि ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, तो इन सब केसेस में एक ये रिजल्ट आया है कि इसमें से 14 दिन के बाद कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। हालांकि इसे एक अनुसंधान में प्रॉपर इसका जो रिगरस बांध करके वो करने की कार्यवाही भी चल रही है। ये जैसे अभी बताया गया पॉजिटिव पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आए थे ऐसे वाले ये करीबन 6800 जितने लोग थे जिनका हमने इस तरह से आयुष पद्धति का अपनाने के लिए उनकी सम्मति के साथ एक कोशिश की थी और इसके बाद इसमें से कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। और इसी तरह से धीरे धीरे जो पॉजिटिव हो चुके हैं उनके लिए भी हम ये अगर उनकी सम्मति हो और एसिम्प्टोमैटिक हो जिनमें सिम्टम्स नहीं है तो उनकी सम्मति लेके रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुष के जो मेथड्स हैं उसे अपनाने का निर्णय भी हम लोग ले रहे हैं और हमें विश्वास है कि उससे भी हमारी जो डिस्चार्ज रेट है और जो हमारे इम्यूनिटी लोगों की है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ सकता है। नमस्कार।